ने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा करी सदन के अंदर। और हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ स्वास्थ्य के बारे में जो चर्चाएं करते हैं तो राजस्थान का नंबर वन पे आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात का भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से लोगों की जो दुर्गति हुई थी, को खाने की दिक्कत थी, रोजगार की दिक्कत थी, मुख्यमंत्री जी ने एक जोरदार प्रदर्शन करके, जोरदार व्यवस्था करके लोगों को राहत प्रदान के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने 6 लॉकडाउन किए हैं और 6 नोटिफिकेशन किए हैं। पहला नोटिफिकेशन 24 तारीख को, दूसरा 29 को, तीसरा 15 अप्रैल को और चौथा 16 अप्रैल को और 19 अप्रैल को, 1 मई को। जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास किया है, उसी तरीके से भारत सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से सरकार चला के इस देश की प्रजातंत्र में चुनी सरकारों को निपुसंग करने की कोशिश करी है। मैं इसकी निंदा करना चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, सरकार ने बगैर सोचे समझे 24 घंटे के नोटिस पे देश लॉकडाउन कर दिया गया। आज़ादी के बाद में या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना था 1947 के अंदर 10 लाख लोग बेघर हुए थे, या इस केंद्र सरकार के बगैर सोचे समझे फैसले के माध्यम से 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, बेघर कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे चल रहे थे, गर्भवती महिलाएं सड़कों पे चल रही थी, खाने की व्यवस्था नहीं, 500-500, 400-400 किलोमीटर चल रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार तो राजनीतिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अपने काम में लगी हुई थी। माननीय सभापति महोदय, इस तरीके का फैसला इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। जो 14 करोड़ लोग बेघर हुए, जिनकी आज तक व्यवस्था नहीं की गई, और देश की वित्त मंत्री 26 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और 5-5 आर्थिक पैकेज की घोषणा करती हैं, 20 लाख रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करते हैं कि आर्थिक पैकेज के माध्यम से इस देश के लोगों को संबल प्रदान किया जाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं एक जो चौथा जो घोषणा है मैं उसकी चर्चा करूंगा। इस देश के अंदर डिफेंस, इस देश के अंदर स्पेस, कोल माइंस, जो हजारों सरकार के जो PSU थे, उन PSU को प्राइवेटाइज करके 45% से 74% किया गया, एक सरकार ने लूट का इस सोर्स बनाया गया। इस कोरोना वायरस के दौरान इस सरकार ने उनकी रक्षा नहीं की, देश के लोगों की, इस सरकार ने अपने आर्थिक साधे हैं, अपने राजनीतिक की सरकार ने साधे हैं। इस बात की मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो फैसला जो 8 तारीख को, 26 तारीख को जो देश की वित्त मंत्री ने जो अपने भाषण में कहा था कि 8 करोड़ लोग सड़कों पे बेघर हैं, 2011 का आंकड़ा दिया गया है, जबकि 2011 की आंकड़ा की जनसंख्या और आज 2020 की जनसंख्या का बात लगा सकते हो कि देश के कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। आज तक जो लोग गए थे अपने घरों से वापस नहीं आए, उनमें खौफ पैदा हो गया है कि किस तरीके से हमारा द्वारा पुनर्वास होगा, इस बात की उनको चिंता है। लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूँ, 17 लाख लोगों की व्यवस्था की गई, 45 लाख लोगों को अपने घरों में बसाया गया बाहर से लाके, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाह रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे एक साथी ने चर्चा करी थी कि एक दिन का जो वेतन है हमारे सभी सांसदों, सभी माननीय विधायकों का, हम कोविड फंड में देना चाह रहा है, इसके लिए मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने MP-LAT खत्म कर दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि हमारा जो MLA का जो लैट फंड था उसको जारी रखा और 2-2 करोड़ रुपया मेडिकल हेल्थ के लिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो ढांचा को मजबूत करने के लिए जो प्रावधान किया गया, इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि आपने राजस्थान का जो बेसिक जो स्वास्थ्य का ढांचा था उसको मजबूत करने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की जो चर्चा करी है वो सरकारी चाल थी, और देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री ने, प्रोफेसर NR Bhanumathi ने कहा है कि जो हमारी जीडीपी है वो 12.5% तक की गिरावट आएगी, और 10% जो GDP का खर्च करने की बात की गई आर्थिक पैकेज के माध्यम से, उसका 1% खर्च होगा इस देश के अंदर। माननीय सभापति महोदय, किस तरीके से सरकारी खजाने को किस तरीके से लोन मेला लगा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, न कि कोई आर्थिक व्यवस्था को, दशा को ठीक करने का प्रयास किया गया। इस तरीके का भ्रम जाल, एक बीमारी को बहाना बना के
एक बीमारी को इस्तेमाल करके इस देश के लोगों को लूटने का प्रयास किया गया। इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, इसकी बात की भी चर्चा होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार का कितना पैसा वास्तव में कोरोना पे खर्च किया गया, उसके बाद की भी चर्चा होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आपने समय की सीमा बांध रखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाह रहा हूं, जब कोरोना के दौरान डॉक्टर किसी से मिलते नहीं थे, मरीज को देखना बंद कर दिया गया था, आपने मुख्यमंत्री जी ने और स्वास्थ्य मंत्री इस बात की व्यवस्था करी कि जो किसी प्रकार की बीमारी का जो मरीज हो उसकी पूर्ण देखभाल की जाए और सारी की सारी पीएससी और सारे के सारे सब सेंटर और सारे सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपने डॉक्टरों की व्यवस्था करी, ना अपने भर्ती की नर्सिस की व्यवस्था करी, ताकि लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति को परेशान नहीं होना पड़े। इसलिए मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, आप कोरोना पे चर्चा हो रही है, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बात की चर्चा थी कि किस तरीके कोरोना काल के दौरान जिन गरीबों के धंधे उजड़ गए हैं, जिनके रोजगार चले गए हैं, उनको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, इस बारे में चर्चा की होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे साथियों ने वो चर्चा नहीं करके एक दूसरे पे आरोप प्रताप लगाना शुरू कर दिए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस बात पर चिंता करे कि आज कितने लोग बेघर हो गए हैं। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे, चाहे लोहार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे नाई हो, चाहे सुथार हो, जो लोग हाथ की दस्तकारी करते थे, जिनकी रोजी रोटी की व्यवस्था खत्म हो गई, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35-35 रुपए उनके अकाउंट में डाल के एक संबल प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सर्वे करा के पूरे राजस्थान का, किन की फैक्ट्री बंद हो गई है, कौन मजदूर विस्थापित हो गए हैं, कौन मजदूर बाहर चले गए हैं, दोबारा से उनको भेजने की व्यवस्था की जाए, ताकि इस कोरोना की बीमारी से ठीक से लड़ सके। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बलजीत यादव।